जीत की खातिर बस जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जी हाँ, आप लोगों के सामने बीओ का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और ये कोट उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि 30 डेज भी अब नहीं रह गए हैं बीओ के एग्ज़ाम में। खंड शिक्षा अधिकारी की मैं बात कर रही हूँ, 16 अगस्त 2020 को इसका एग्ज़ाम है। तो 20-30 दिनों में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उस पर मैं ये सीरीज़ आपके सामने लेकर आई हूँ। आज है 16 जुलाई और 16 अगस्त 2020 आज से ठीक एक महीने बाद बीईओ का एग्ज़ाम है। तो 30 दिन में हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर हमने बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं की है, लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी नहीं किया है, तो 30 दिन का रिवीजन कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग एक दिन में कम से कम 3 टेस्ट करेंगे, जिसमें यूपी हिस्ट्री पॉलिटी सिविक ज्योग्राफी सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा, मैथ्स रीजनिंग सब कुछ। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना टेस्ट प्रिपेयर करेंगे और कैसे स्ट्रेटजी आप लोग अपनाएं कि आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से ये निकाल सकें। तो ये जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्ट्रेटजी, इसमें आप 100% सफल होंगे, इसकी गारंटी है, और पहली बार में सफलता मिलेगी आपको। कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बीयू के एग्ज़ाम के लिए आपको कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, टोटल 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे सॉरी, तो उसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही करने, और हम आप लोगों को क्या देने वाले हैं, इस सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैसे निकालें बीईओ का एग्ज़ाम, आज के इस लेक्चर में प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आएगा और क्या क्या सिलेबस है हमारा, और उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन हम लोग करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं UPPSC ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस क्या है। तो इसमें जनरल स्टडी का पेपर होगा, जिसमें जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्पेशली नेशनल मूवमेंट पे टारगेट किया गया है यहाँ पर, इंडियन पॉलिसी, कॉमर्स, पॉलिटी, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, ज्योग्राफी, करेंट इवेंट, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, एजुकेशन, ट्रेडिशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक में अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक और ज्योमेट्री भी आएगी इसमें, और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर एंड इंडियन एग्रीकल्चर। अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे इसमें, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होंगे, जिसमें 2.5 आपकी मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग अगर आपने गलत किया कोई क्वेश्चन तो 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे, और ड्यूरेशन होगी आपकी 2 घंटे की। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो ये आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, एग्ज़ाम 22 मार्च को होना था, एडमिट कार्ड भी आ चुके थे, डेट पोस्टपोन हो गई है, डेट पोस्टपोन होकर 16 अगस्त की आई है। चलिए रिजल्ट के बाद में तो बात करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेते हैं। ये तो 309 वैकेंसी है, मतलब कि इस समय जो हमारे मेंस के लिए सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे वो अराउंड 4000 होंगे, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी होती है उसके 13 से 15 गुना लोग चूज़ किए जाते हैं, तो 4000 लोग चूज़ किए जाएंगे इसके लिए। तो आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज है वो जनरल OBC और EWS के लिए 40% है, मतलब कि इतना आपको लाना बहुत ज़रूरी है, और SC ST के लिए 35% पासिंग मार्क्स है, इसके ऊपर जितना भी हमारा कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी पे स्केल आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है इसका, ग्रेड पे है 4800 का, पे स्केल है 9300 से 34800 तक का। तो ये पूरी बात हुई कि ओवरऑल क्या हमारा जो इसका सिलेबस है, इसका क्या स्ट्रेटजी, ये सब चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे हम प्रिपरेशन करें कि बस इस 30 दिनों की पढ़ाई में हम पूरा अच्छे से सिलेबस भी कवर कर लें और बिल्कुल भी हेडेक ना हो, पेन ना हो, अच्छे से तैयारी करें अपने बीईओ एग्ज़ाम की। तो चलिए देख लेते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी 30 डेज स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ही पेपर होगा इसमें और वो भी पेपर होगा क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाई हमें करना है सिर्फ इसमें, इसमें हमें मार्क्स नहीं लेके आने हैं, पहले बता दूँ, सिर्फ क्वालिफाई करना है, और कितने मार्क्स पे क्वालिफाई करना है ये भी मैं बता दूँ। आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 85-90 मार्क्स लाना, 90 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है 120 में से। ओवरऑल 120 का पेपर आएगा, तो 120 में से आपको 85 से 90 अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप हो जाएंगे सेफ़ जोन में।
तो सेफ जोन में होने का मतलब है कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये जो वैकेंसी निकली है आपकी, ये निकली है 13 साल बाद ये वैकेंसी निकल रही है। तो इसके लिए भी बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं, कम से कम करीब 15 से 20 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्रैक करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले मैं आपको सिलेबस बता ही चुकी हूँ। तो अब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का हमारे पास टाइम रह गया है। तो इस 30 दिनों के टाइम में हमें ये प्रॉपर सिलेबस कवर करना है। अगर आपने अभी तक एक भी दिन भी किताब नहीं उठाई है, फिर भी मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगी कि आप बहुत अच्छे से इस पेपर को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बुक्स की बात करूं, तो बुक्स कुछ नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक्स ले लीजिए, जिसे कहते हैं लूशेंट। लूशेंट जो है वो रामबाण है इसका। लूशेंट पढ़ने के साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर करंट अफेयर की तैयारी, क्योंकि मैं लाइन से आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा इसमें तैयार करने का, वो होगा मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग से कम आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस। अगर आपने सही कर लिए 22 to 23, तो काफ़ी आप सेफ जोन में हो जाएंगे। और मैथ्स रीजनिंग बहुत हाई लेवल पे नहीं आएगी, सिर्फ 10th लेवल तक की ही आएगी। सेकेंड हम देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं BU के लिए अलग से एक सीरीज़ बना दूंगी। वैसे तो डेली करंट अफेयर्स चल ही रहा है, बस मंथली भी मैं लेकर आती हूँ अपने चैनल पे। बस BU के लिए जो UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए मैं अपने चैनल पे 2 से 3 वीडियो काफ़ी लेंथी अपलोड कर दूंगी। उसके अलावा आप कुछ मत देखिएगा, 500 से 1000 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो आप वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें, तो हमारा थर्ड होना चाहिए हिस्ट्री को लेकर। अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री में भी आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। एंशंट और मिडिबल आप बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप मेरे वीडियोस हैं जो कि आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, उसको आप देख के प्रॉपर कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ हम अपने टॉपिक की। फोर्थ टॉपिक हमारा होना चाहिए पॉलिटी। पॉलिटी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस है वो बहुत छोटा है, और अगर आप लूशेंट से पढ़ेंगे तो एक दिन में आप पॉलिटी ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, हाफ डे में आप कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस्ड आते हैं। फैक्ट मतलब कि कौन सा संशोधन कब हुआ, कौन राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद है, कार्य किस में दिए गए हैं, इस टाइप से। तो पॉलिटी आप बहुत आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं लूशेंट से। नेक्स्ट आप फिफ्थ लेंगे आपका यहाँ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आप सिर्फ इंडियन की ज्योग्राफी पे ही फोकस करेंगे। इंडिया की नदियाँ, इंडिया के पहाड़, इंडिया की ज्वालामुखी, जो भी चीज़ें हैं सिर्फ इंडिया की, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड लेने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो भी आप लूशेंट से, लेकिन इसमें थोड़ा लेटेस्ट वाली लूशेंट यूज़ करना, क्योंकि पुरानी बैक में बैक डेट हो जाती है इसलिए। सिक्स हम बात करें यहाँ पर, तो हम लेंगे साइंस की। साइंस में आप सिर्फ और सिर्फ बायो को पढ़ेंगे। बायो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बायो का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, और केमिस्ट्री और फिज़िक्स बहुत कम आता है इसमें। इसलिए आप लोग सिर्फ साइंस में बायो पढ़ेंगे, और बायो भी लूशेंट से आप कर लेंगे, उतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ बायो के बाद है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल की मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगी। डेली हम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाहर कोई भी पेपर नहीं जाने वाला। यूपी में तो करंट स्पेशल है, तो यूपी के जो करंट्स हैं वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों को दे दूंगी। तो इसके बाहर आपका यूपी का बिल्कुल क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर आपने इतनी तैयारी कर ली, तो इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो 35 से 40% जो आते हैं इजी लेवल के आते हैं। तो आपको इजी पे ही फोकस करना है। उसके बाद 30 से 40% जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट लेवल के आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। और 20 से 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो हार्ड आते हैं। तो आपको इस हार्ड पे फोकस नहीं करना है, आपको इन दोनों इजी पोर्शन पे फोकस करना है। अगर ये दोनों फोकस कर लिया, तो BU का एग्ज़ाम बहुत ही आराम से आपका निकल जाएगा। तो आपने ये अच्छे से समझ ली होगी स्ट्रेटजी। इसके अलावा आपको डेली टेस्ट देना है। अब
पहले आप ये 5 days लूशेंट रिवाइज कर लीजिए। 5 days लूशेंट रिवाइज करने के बाद आपके रह जाएंगे 25 days। 25 days में आप 2 घंटा डेली टेस्ट दें और 2 घंटा ही उस टेस्ट को एनालाइज करें, तो ये 4 घंटा, इसके अलावा आप रिवीजन करें। अब इस टाइम जो हमारा फोकस होना चाहिए ओनली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में होना चाहिए, रिवीजन के अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अब मैं बता दूँ कि हम सक्सेस मंथ चैनल पर 3 वीडियो सीरीज लेकर आएंगे, एक सुबह, एक दोपहर में और एक शाम में। डेली उसमें किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन, और जो कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं कई बार। तो ये 3 वीडियोस आप सुबह, दोपहर, शाम देखना बिल्कुल मत भूलिए, और इसके बाहर सिलेबस नहीं जाने वाला है बिल्कुल भी। तो ये बहुत फोकस, आप आराम से इसे करिएगा और टेस्ट देना मत भूलिएगा। और जो मैं वीडियो सीरीज लेकर आने वाली हूँ MCQs की, वो भी इसमें टेस्ट MCQs ही होगा, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ, तो आप उसको भी देख के टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मिनट की बूस्टर सीरीज़ हमारे चैनल पे चलाई जा रही है, 2 मिनट्स ब्रेन बूस्टर सीरीज़। तो सिर्फ 2 मिनट में आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सीरीज़ भी देख लीजिएगा। उसमें भी 40 से 50 सीरीज़ अपलोड हो चुकी हैं, तो उसको भी आप देख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको होप स्ट्रेटजी ये समझ में आ गई होगी। तो आप मेनली करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, यूपी पे फोकस करिए और मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करिए। अगर ये 3 पोर्शन आपके बहुत अच्छे से हो जाते हैं तो आपको BU का एग्ज़ाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको इसमें मार्क्स नहीं लेके आने हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है, मेंस में ही आपको मार्क्स लेकर आने हैं। तो चलिए, आपको होप समझ में आ गई होगी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा चैनल देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।